डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कंसेप्ट है। इसको टर्कोएंड रूल भी बोलते हैं। ये क्या होता है ये समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। तुमने 10th के बाद सपोजिटली 11th में एडमिशन लिया, कॉलेज में क्या क्या सबमिट किया? 10th का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कॉलेज से बोर्ड को जाएगा, डू यू एग्री? लेकिन वो जो कॉलेज प्रोसीजर करेगा इंटरनली बोर्ड में ट्रांसफर करने का, क्या तुमको पता है? द आंसर इज नो। तुम एज्यूम करोगे कि कॉलेज का जो बोर्ड के साथ जो प्रोसीजर है वो सही हुआ रहेगा, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अच्छा, कुछ कॉलेज से गलती होती है तो एज अ स्टूडेंट तुम्हारी कोई गलती है? द आंसर इज नो। तो तुमने तो बराबर सब सबमिट किया था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन है विच इज इंटरनल टू द कंपनी, आउटसाइडर्स को पता होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, तुमने मारुति कंपनी को बोला कि 10 मारुति वैगन आर भेजो, ठीक है? अब कंपनी बनाएगा और जो प्रोसीजर करेगा बनाने के लिए, क्या तुमको जानने की जरूरत है? द आंसर इज नो। तुम क्या एज्यूम करोगे कि कंपनी का इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अपने जगह पे सही हो रहा होगा? वहां पे कुछ गलतियां हो रहे होंगे तो तुम जवाबदार नहीं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि जो भी प्रोसेस जो इंटरनल होता है कंपनी का, ठीक है, वो सही हो रहा होगा, ये तुम एज्यूम करोगे। सो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूं कंपनी के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के दायरे में सही है, ठीक है, तो जो भी, अब जैसे मुझे किसी को शेयर ट्रांसफर करना है, अब कंपनी मीटिंग करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और प्रोसेस करेगा, तो मुझे वो जो कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर और प्रोसेस में देखने की जरूरत नहीं है। मैं एज्यूम करूंगा कि कंपनी वो प्रोसेस अपने तरीके से इंटरनली बराबर कर रहा होगा। अच्छा, इसको मैं और डिटेल में बताना चाहता हूं। ये जो एक फेमस हुआ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोएंड, इसलिए इसको फेमसली टर्कोएंड रूल भी बोलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था। इस केस में क्या था कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने एक परमिशन दिया था कि तुम बॉन्ड्स, बॉन्ड्स एक प्रकार का कर्जा होता है, तुम ले सकते हो, लेकिन इसका तुम कर्जा लो लेकिन शेयर होल्डर्स, सी डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो तुमको कर्जा लेना है ना सपोजिटली 500 करोड़ का, तुम लो, लेकिन लेने से पहले तुम जनरल मीटिंग बुलाओ शेयर होल्डर्स का, उनसे एक डिसीजन लो जिसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला, तुम कर्जा लो जितना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया कि इन्होंने कर्जा लिया, कर्जा मिल भी गया उनको बैंक से, लेकिन इन्होंने शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाया ही नहीं। लॉजिक समझ में आया? तो इन्होंने शेयर होल्डर्स के मीटिंग को बुलाए बगैर कर्जा ले। अब आगे क्या हुआ कि ये जो कर्जा है, सम टाइम टू टाइम अ बॉन्ड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, आगे चलकर ये लोग ये कर्जा कंपनी से डूब गया, मतलब डूबा, दे नहीं पाए कर्जा। तो क्वेश्चन इज, क्या बैंक से गलती हुई है? द आंसर इज नो। कर्जा लेने की प्रक्रिया किसका था? कंपनी का था। तो इसके तहत जो कायदा बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ये जो है कि जो टर्कोएंड रूल है, इसमें क्लियर कट है कि गलती किसकी है, कंपनी की मानी जाएगी। तो कंपनी को वो कर्जा लौटाना ही पड़ेगा बैंक, क्योंकि जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो तो कंपनी का इंटरनल का है, वो एज्यूम किया गया उन्होंने पूरा किया होगा, ठीक है ना, और कंपनी लायबल है, बराबर है, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है तो वो लौटाना पड़ेगा। तो ये जो कायदा था ये क्लियर कट बोलता है कि यदि तुमने कंपनी से डील किया है
तो कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस ठीक से हो रहे होंगे, ये एज्यूम्ड है। तुम हर बार झांक के देख जी सकते हैं कि कंपनी सही कर रहा है कि नहीं। तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस फॉर्म सबमिट करने के बाद, अच्छा तुमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड सब दिया, पासपोर्ट के लिए दिया, बट अंदर वो सब चेकिंग होगा ना, तुम्हारा फॉर्म चेक करेंगे, प्रोसेस चेक करेंगे, तुमको जानने की जरूरत है? द आंसर इज नो। तुमने अब तक काम कर दिया, अब तुम क्या एज्यूम करोगे? बर्थ सर्टिफिकेट पाने के लिए गवर्नमेंट के भी इंटरनल प्रोसेस होंगे, एडमिशन के लिए इंटरनल प्रोसेस होंगे कॉलेज के, लाइसेंस के लिए आरटीओ के इंटरनल प्रोसेस होंगे। वो इंटरनल प्रोसेस सही में हो रहा है ये तुमको एज्यूम करना है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया? इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स, तुमने मेमोरेंडम देख लिया वो काफी है, बाकी और तुम्हारा जो डील हुआ है दायरे के भीतर है, ठीक है ना? कंपनी ने शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास किया होगा ये एज्यूम दे, क्योंकि डायरेक्टर जब कर्जा ले रहे हैं तो ये सब देखकर बैंक ने लोन दिया था, तो बैंक की इसमें गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी का इंटरनल प्रोसेस कंपनी ने पूरा करना चाहिए था। तो कंपनी पर्सनली जवाबदार है और कंपनी को लोन चुकता करना होगा। कंपनी बाद में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत हुआ है, मेमोरेंडम के दायरे के बाहर हुआ तो हम लोन नहीं चुकता करेंगे। लायबिलिटी कंपनी की होगी, क्योंकि बैंक ने सारे जो पेपर देख के दिए थे लेकिन कंपनी ने अपना इंटरनल सेटअप पूरा नहीं किया। लॉजिक समझ में आया सबको? तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।